दो दोस्तों की सच्ची कहानी। एक को नौकरी मिली और दूसरा आज भी सोच रहा है। सोचते सोचते एक वर्ष बीत गए, लेकिन वह दोस्त आज भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। आखिर वह कौन सा कारण है कि वह आज भी घूम रहा है? एक वर्ष पहले दोनों दोस्तों ने नौकरी के लिए कुछ सीखने का निर्णय लिया। वह दोनों दोस्त कुछ टेक्निकल कार्य सीखने के लिए संबंधित स्कूल में पहुंच गए। दोनों ने बात किया। पहले दोस्त ने कुछ दिनों बाद अपना एडमिशन कराया और पढ़ाई शुरू कर दिया। दूसरा दोस्त सोचने लगा, यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा? दूसरे दोस्त ने सोचा, चलो कुछ दिन बाद सीखेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते ही देखते एक वर्ष का समय बीत गया। इधर पहले दोस्त की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसे एक नौकरी भी मिल गई। जब पहले दोस्त की नौकरी मिल गई तो वह खुशी से मिठाई का डब्बा लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा और बताया कि मुझे नौकरी मिल गई, अब मुझे शहर जाना होगा। सोचा आज तुमसे मिल लूं, क्योंकि दो दिन बाद ही मुझे नौकरी पर जाना है। आज हमारे सपने पूरे हो गए। अब मैंने जो कुछ भी सोचा था वह सब कुछ पूरा करूँगा। जिस चीज का मैंने सपना देखा था वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत दिनों से मुझे इंतजार थी कि एक ऐसी नौकरी जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे, जो हमारे सपनों को पूरा कर सके, जो हमारी परेशानियों का अंत कर सके, जो हमारी गरीबी को मिटा सके। आज वह नौकरी मुझे मिल गई है। दूसरा दोस्त देखता है और उस पहले दोस्त के चेहरे को बखूबी देखता है। दूसरा दोस्त अंदर ही अंदर उसे कुछ घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि एक समय वह था जब हम दोनों साथ एक साथ थे। आज एक दोस्त नौकरी पे होगा और मैं अकेले होऊंगा। दूसरा दोस्त ये सोच करके काफी डर जाता है, सहम जाता है। दूसरा दोस्त दुखी मन से कहा, चलो ठीक है, मैं तो अब भी बेकार हूं, लेकिन कोई बात नहीं। पहले दोस्त ने कहा, जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम अपनी समस्या के बारे में जानते हो? तुम दुखी मत हो, मैं बताता हूं। तुम फेल होने से डरते हो, इसी वजह से तुमने एडमिशन नहीं लिया। इस बात को मैं पहले भी जानता था और आज भी जानता हूं। दूसरी बात तुम कभी भी कोशिश नहीं करना चाहती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम हमेशा अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहते हो कि मैं एक अच्छा ट्रेनिंग स्कूल खोज रहा हूं। तुम हमेशा अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाते हो। तुम हमेशा अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करते हो। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी, और यही सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम कभी अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हो, तुम अपनी कभी भी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। हमेशा तुम अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए अपनी कमियों का धोना ढोते हो। पहले दोस्त ने कहा, अब तुम घूमना बंद करो और जहां से मैंने कोर्स किया वहां जाओ, उससे बेहतर स्कूल तुम्हें नहीं मिलेगा। और अपने मन से फेल होने का डर निकाल दो। मैं तो यही जानता हूं कि बगैर फेल हुए इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। तुम डरो मत, कोशिश करो। मैं जानता हूं तुम एक दिन बहुत अच्छा करोगे, तुम एक दिन सफल इंसान बनोगे और तुम्हें एक दिन मुझसे भी बेहतर नौकरी मिलेगी। क्योंकि जो हुनर तुम्हारे अंदर है, जो हुनर है, ढूंढने की प्रवृत्ति है, खोजने की प्रवृत्ति है, वो शायद मुझमें नहीं है। पहला दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता रहा कि तुम कोशिश करो, तुम डरना बंद करो, कमियां ढूंढना बंद करो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। इस दुनिया की कमियां ढूंढते ढूंढते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिधर भी निकलोगे उधर भी कमियां ही कमियां दिखाई देंगी, तो सफलता कैसे मिलेगी? अगर तुम कमियों को ढूंढने में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दोगे, अपने जीवन को समाप्त कर दोगे, तो फिर तुम्हारे पास तो मुसीबत, गरीबी और तकलीफों का भंडार तो होगा ही होगा। क्या तुम जानते हो कि एक साल में तुमने कितना पैसा बर्बाद किया? तुम कभी दिल्ली जाते हो, कभी राजस्थान जाते हो, कभी पटना जाते हो, पता नहीं कहां कहां जाते हो, क्यों जाते हो, मेरे समझ में तो नहीं आता।
तुम्हें घूमते घूमते एक वर्ष बीत गए, क्या कोई स्कूल मिला? तो तुम्हारा जवाब होगा, अब तक तो नहीं, और शायद आगे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मुझे देखो, मैंने भी नौकरी के लिए कई जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन पांचवी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ। पांच बार में फेल हुआ हूं, बार बार फेल हुआ, लेकिन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। मैं आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता रहा, प्रयास करता रहा, लेकिन मैं ये बखूबी जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि जितनी बार मैं इंटरव्यू में फेल हुआ हूं, उतनी बार मैं स्ट्रांग होता गया, मजबूत हो गया, उतनी बार मैंने कुछ सीखा। मैं जितनी बार इंटरव्यू में गया, उतनी बार कुछ ना कुछ सीखा, और आज रिजल्ट तुम्हारे सामने। तुम्हारे अंदर काबिलियत है, जरूरत है उसे पहचानने की और कोशिश करने की। मैं जानता हूं तुम सबसे बेहतर कर सकते हो, लेकिन वह डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, वह डर आगे बढ़ने से रोक रहा है और कदम कदम पे तुम्हारा साथ छोड़ रहा है। उसे निकाल फेंको। एक साल से तुम सोच रहे हो, क्या कोई रिजल्ट मिला? आज भी तुम वहीं खड़े हो। एक वर्ष पहले तुम जहां खड़े थे, आज भी तुम वहीं हो। मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ, सोचो मत, क्योंकि सोचने में तो वक्त गुजर जाता है, सोचने में तो सदियां बीत जाती हैं, लेकिन मंजिल नहीं मिलती। और यह सत्य है, यह सही बात है, किसी ने कहा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तुमने कभी कोशिश ही नहीं किया, तुमने कभी कोशिश ही नहीं किया। ईमानदारी से एक बार कोशिश करके तो देखो, और उसके बाद रिजल्ट देखना, जो रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा। दूसरे दोस्त ने कहा कि आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं मानता हूं मैं डरता था, मैं मानता हूं मैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए दोष लगाता था, दूसरों की कमियां निकालता था, लेकिन मैं यह भूल गया कि सारी कमियां तो हमारे अंदर ही हैं। वास्तव में मैंने एक वर्ष का समय बर्बाद कर दिया, साथ ही बहुत सारा पैसा भी बर्बाद कर दिया। यह सच है कि मैं असफल होने से डरने लगा था, अपनी कमियों को छुपाने लगा था, लोगों की कमियां निकालने लगा था, और देखते ही देखते मुझे पता भी नहीं चला, मैंने एक साल का समय भी बर्बाद कर दिया और बहुत सारा पैसा भी बर्बाद किया। और देखो, हम दोनों एक ही साथ चले थे, लेकिन आज तुम्हारे पास नौकरी है और आज मैं जहां खड़ा हूं वहीं पे हूं, पहले जहां मैं था वहीं पे हूं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूं, जान चुका हूं। इस दुनिया में कुछ भी अपने आप मिलने वाला नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी को देने वाला नहीं है, इस दुनिया में उसी इंसान को मिलता है जो अपने काबिलियत को साबित करता है, अपने आप को प्रूफ करता हो, आई एम द बेस्ट पर्सन, मैं बेस्ट हूं आपके लिए। उसे ही यह दुनिया सलाम करती है, अदरवाइज किसी को नहीं पूछती। मैं सोचता रहा कि वह स्कूल जो मुझे नौकरी देगा वहीं मैं जाऊंगा, यह सबसे बड़ी भूल थी हमारी। लेकिन आज एक बात समझ में आ गई, नौकरी हमेशा अपनी काबिलियत पर मिलती है, कोई किसी को ऐसे नौकरी नहीं दे सकता। हमें अपने आप को नौकरी के काबिल बनाना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें भरोसा करते हैं कि कोई मुझे ला करके नौकरी देगा। यह अपने आप में एक झूठा सपना है, यह अपने आप में एक प्यारा सपना है, जो ऐसा सपना जो हमें बेकार बनाता है, जो हमें लड़ने से रोकता है, जो हमें अपने आप को निखारने से रोकता है, और वह डर हमेशा हमें पीछे खींचता है। हमें जरूरत है अपने आप को समझने की, हमें जरूरत है आगे बढ़ने की, हमें जरूरत है कुछ कर दिखाने की। हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे आप ना कर सको। तुम हर एक काम कर सकते हो, हर एक कार्य कर सकते हो। आगे जरा शिद्दत से एक कदम बढ़ाकर तो देखो, जिस दिन तुमने दिल से एक कदम बढ़ाया, उसी दिन तुम्हें सफलता का वह मार्ग नजर आएगा जिसका तुमने सपना देखा है। उस दोस्त ने
ये कहा, मैं आज से ही सीखना शुरू करूंगा, मैं आज से ही अपनी कमियों को दूर करना शुरू करूंगा, अपने आप को नौकरी के काबिल बनाऊंगा और एक दिन मैं अपने सपनों को साकार करूंगा। अब दूसरा दोस्त नौकरी पाने के लिए कुछ सीख रहा है, आज वह खुश है। उसने अपने दोस्त को थैंक यू बोला और मंजिल की तरफ बढ़ गया। कहीं आप अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे? यदि ऐसा कुछ है तो आज ही सोचिए, क्या पता कल हो या ना हो, वक्त तेजी से चला जा रहा है। और आप कब तक समय बर्बाद करेंगे? आप कब तक सोचने में यूं ही अपना वक्त जाया करेंगे? और यह अनमोल समय जो कभी वापस नहीं आता। पैसा तो तुम कमा सकते हो और भी काम कर सकते हो, लेकिन एक बार वक्त अगर तुम्हारी मुट्ठी से निकल गया तो फिर वह कभी वापस आने वाला नहीं है। और जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए। लोगों पे दोष लगाना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप लोगों की कमियों को निकालना बंद कर देंगे, उसी दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जिस दिन आप अपने कमियों को देखने लगेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, उसी दिन आप एक सफल इंसान बन जाएंगे। तो अपने आप को कैसे बदलना है, अपने आप को कैसे उस मंजिल की तरफ ले जाना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये निर्णय लेना आपके हाथ में है। यदि आप चाहते हो कि हमारा जीवन बेहतर तरीके से चलता रहे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन के बारे में सोचोगे, अपने लाइफ के बारे में सोचोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही जिल्लत की जिंदगी जीता रहूं और लाचारी की जिंदगी जीता रहूं, तो निश्चित रूप से आप कभी भी नहीं सोचेंगे। और आप जैसे हैं वैसे ही हैं, जैसे लाखों लोग हैं। यही कारण है कि आज देखिए बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। लोगों के पास काम नहीं है, सबका यही कहना है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि नौकरी की वो इबारत लिख रहे हैं जो एक इतिहास बन रहा है, जो एक इतिहास बन रहा है। अपने समय को बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है और आप पीछे छूटते जा रहे हैं। अब भी वक्त है, वक्त के साथ चलने की कोशिश करो, वक्त के साथ चलने की कोशिश करो। क्या पता कल क्या हो। आज वह दोस्त ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन जब उसे नौकरी मिलेगी तो मैं उसके नाम के साथ आपके साथ पुनः मैं हाजिर हूंगा। और तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। और इस बात को कहने के साथ, कहीं आप अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा कुछ है तो आज ही सोचिए। सोचना आपका काम है, निर्णय लेना आपका काम है, सफलता पाना आपका काम है।